हेलो दोस्तों। तो आज मैं बनाने वाली हूँ तुरई की सब्जी। इसे बनाना बहुत आसान है, बनाने में भी आसान और खाने में भी टेस्टी। आपने कभी ऐसे ट्राई नहीं किया होगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने क्या किया है कि यहाँ 2 से 3 तुरई ले लिया है। इसे हम लोग घ्यूरा भी बोलते हैं। इसे आप छील लीजिएगा। बहुत ही अच्छी तरीका से इसे हम छील लेंगे और इसे इस तरीके से गोल गोल हम पहले कट करेंगे और फिर उसके बाद बीच में इसे आधा कट लगाएंगे। पूरा अलग नहीं करना है, सिर्फ आधा कट लगाना है। इधर हम मसाले की तैयारी करते हैं। अदरक के टुकड़े ले लेंगे 1 इंच, 10 कलियां लहसुन के ले लेंगे और 3 हरी मिर्च और ज़्यादा मात्रा में हम यहाँ पे धनिया पत्ता लेके इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया है और इधर हम इसको इसमें डाल देंगे। इस तरीके से इसे डालते हैं और चलिए अब हम मसाले डालते हैं। यहाँ 1 खाने वाला चम्मच से मैं दही डाल दूंगी। दही इसका मेन है, याद से डालिएगा। और 1.5 चम्मच के आसपास कश्मीरी लाल मिर्च और 2 चम्मच के आसपास तीखी लाल मिर्च मैं इसमें डाल दूंगी। उसके बाद आधा टीस्पून के आसपास इसमें हल्दी डालूंगी और 1.5 टीस्पून के आसपास धनिया और 1/2 टीस्पून इसमें मैं जीरा डालूंगी। स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिएगा और कुछ मात्रा में हम इसमें तेल डालेंगे और इसे बहुत ही अच्छी तरीका से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम मैरिनेशन के लिए डालेंगे। स्वाद बहुत ही ज़्यादा खुल के आएगा, आपने ऐसा कभी ट्राई नहीं किया होगा। तो चलिए यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैं डालूंगी तेल और उसमें मैं डालूंगी 5 फोड़न। इसे मैंने दुकान से लाया था, आप घर पर भी बना सकते हैं। तो 5 फोड़न लेके 1 सूखी मिर्च डाल के 1 बड़ा सा प्याज कट करके चॉप करके मैं इसमें डाल दूंगी। इसे हम सबको क्रैकल होने देंगे और प्याज को हल्का सा रेड होने देंगे। प्याज जब हल्का सा कलर आ जाए प्याज में तो उसमें हम चॉप करके टमाटर डाल देंगे और टमाटर को भी 2 मिनट पकाएंगे। फिर उसके बाद 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे और 1/2 टीस्पून तीखी लाल मिर्च डालेंगे। इसे भी थोड़ा देर के लिए पकाएंगे, लगभग 2 मिनट। और उसके बाद जो हमने तुरई को मैरिनेशन के लिए रखा था उन सबको इसमें हम डाल देंगे। अभी इसमें हम किसी भी तरह का पानी नहीं डालेंगे क्योंकि तुरई जो होता है वो ऑलरेडी बहुत पानी रिलीज़ करता है। तो पहले इसे चला लेंगे बढ़िया से ताकि सब कुछ मिक्स हो जाए और फिर उसके बाद इसे हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे। ढकने का मकसद ये है कि जो पानी एक्स्ट्रा है वो निकल जाए, फिर उसी पानी से हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए जो पानी था वो निकल चुका है। अब क्या करेंगे, इसे हम फ्राई करेंगे। लगभग जब तक ये पूरी तरीका से पानी अब्जर्व ना कर ले हम इसे फ्राई करते रहेंगे। ये देखिए फ्राई हो गया है। अब लास्टली जो हमने बर्तन था उसको धो के इसमें डाल दिया है और अब हम इसे ढक देंगे। ढकने के बाद 5 से 10 मिनट हम इसे पकाएंगे और ये देखिए बन के है तैयार। ये पूरी तरीका से बन चुका है, तेल अलग हो चुका है, इसकी ग्रेवी जो है बहुत ही अच्छी बनी है। एक बार आप इसे ट्राई करिए, मुझे यकीन है आप निराश नहीं होइएगा। इसे बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इसकी ग्रेवी जो है एकदम चिकन वाली फ्लेवर देती है क्योंकि मसाले हमने बहुत अलग इस्तेमाल किए हैं। इसे बनाइए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा। थैंक यू।